ठीक है, E1 इंटू E2 को आगे कंटिन्यू करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। सपोज वी हैव टू फाइंड आउट द कोफिशियंट ऑफ x^24 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1+x²^12 इंटू 1+x²^12 इंटू 1+x²^24। सो हियर व्हाट विल बी डू, पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें और एक सिंगल एक्सपेंशन बना लें। क्या होगा इसका मल्टीप्लीकेशन, 1+x²^12 प्लस x²^24 प्लस x²^36। ये तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, इंटू 1+x²^12। अब इसके एक्सपेंशन में हमें x^24 का कोफिशियंट चाहिए, x^24। तो देखो यहां पे हमें कितनी टर्म्स लिखना पड़ेगी, यहां पे पॉसिबिलिटीज देखो, 1 x^24 से मल्टीप्लाई होके x^24 देगा, तो x^24 का कोफिशियंट चाहिए, यहां से x^12 का कोफिशियंट चाहिए, यहां से x^0 का कोफिशियंट चाहिए, और यहां से x^-12 का कोफिशियंट चाहिए इस एक्सपेंशन में, x^-12 का कोफिशियंट। हमें ये पता है कि ये नहीं आएगा, फिर भी हम इसको वेरीफाई कर लेंगे। अब क्या करें, इनके कोफिशियंट चाहिए मुझे इस एक्सपेंशन में, फिर क्या करूंगा, इनसे मल्टीप्लाई कर दूंगा। लास्ट क्लास में किया था ना हमने, इनके कोफिशियंट्स निकाल लो। ये क्या किया मैंने, इन टर्म्स को देखकर लिखा है, इज इट क्लियर? ठीक है, अब x^24, 12, 0 एंड -12, ये लिखने के लिए पहले इसका जनरल टर्म लिखना पड़ेगा। इसका जो जनरल टर्म होगा वो क्या होगा, दैट इज tr+1 लिख लेते हैं, 12 cr 1^12 r x²^r। ये क्या हो गया एक्चुअली, 12 cr, ये तो 1 रहेगा, x²^2 r। अब हमें देखो क्या चाहिए, सबसे पहले अगर x²^24 का कोफिशियंट देखना है तो 2 r मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, 24, तो r क्या आ गया, 12 आ गया, आर क्या आ गया, 12 आ गया। मीन्स x^24 का कोफिशियंट क्या आएगा अपना, r 12 रखो यहां, तो क्या आएगा, 12 c 12। आंसर इधर लिख देते हैं, तो क्या होगा, 1 इंटू ये जो कोफिशियंट है, 1 इंटू x^24 का कोफिशियंट यहां से आया 12 c 12 प्लस। अब ये यहां पे भी इसका कोफिशियंट 1 है, तो पहले क्या चाहिए, मैं x^12 चाहिए, तो x^12 के लिए 2 r मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, 12, ये 2 r 12 के इक्वल होना चाहिए, तो r क्या आ गया, 6 आ गया, r 6 आ गया, तो कोफिशियंट क्या जाएगा, 12 c 6, तो अगेन 1 इंटू 12 c 6। फिर प्लस, अब क्या चाहिए, 0, तो 2 r मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, 0, तो r क्या आना चाहिए, 0, r 0 आ गया, तो क्या आएगा, 1 इंटू 12 c 0 प्लस। ये 1 क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, क्योंकि इनके कोफिशियंट 1 है ना यहां पे, और इनके कोफिशियंट जो आ रहे हैं वो मैं लिखते जा रहा हूं, 12 c 12, 12 c 6, 12 c 0। फिर क्या चाहिए हमें, -12, तो 2 r इज इक्वल टू -12, तो आर क्या आ गया, -6, आर -6, विच इज नॉट पॉसिबल, नहीं तो टर्म जो है -5 नंबर की टर्म, व्हाट डज इट मीन, आर जो है वो क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, ठीक, तो यहां से पॉसिबल नहीं है, मीन्स व्हाट, 1 इंटू 0, आर -6 आ रहा है, इट मीन्स इस एक्सपेंशन में कहीं भी x^-12 नहीं आएगा। अब क्या करें, इसको सॉल्व कर लें,
वन इंटू 12 से 12 वन होता है, वन इंटू वन प्लस वन इंटू 12 से 6 तो 12 से 6 प्लस वन इंटू 12 से 0, वन इंटू 12 से 0 क्या होता है अगेन वन प्लस वन इंटू 0 दैट इज 0, वन प्लस वन टू प्लस ये तो रहेगा 12 से 6, तो दिस विल बी द आंसर. मीन्स इसके एक्सपेंशन में x टू द पावर 24 जो होगा उसका कोफिशियंट जो होगा 2 प्लस 12 से 6 होगा. जस्ट नोट इट डाउन. नाउ विल फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस y रेस टू द पावर n. इसके एक्सपेंशन में सपोज हमें मिडिल टर्म फाइंड आउट करना है, तो एक्चुअली मिडिल टर्म देख लेते हैं पहले. x प्लस वाई रेस टू द पावर n अगर है तो यहां दो केसेस है. फर्स्ट, इफ n इज इवन, n क्या है इवन है, n अगर इवन है तो देखो टोटल टर्म्स क्या होगी, टोटल टर्म्स तो होगी n प्लस वन, ठीक है. टोटल टर्म्स n प्लस वन है तो ऑब्वियसली n प्लस वन क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, n प्लस वन ऑड हो जाएगा. why? बिकॉज n इज इवन, इधर जो भी पावर है उससे ज्यादा होती है ना टर्म्स, तो n प्लस वन टोटल टर्म्स है, n प्लस वन क्या हो गया ऑड हो गया, मीन्स टोटल टर्म्स अपने पास क्या हो गई अब ऑड हो गई. तो टोटल टर्म्स अगर ऑड है तो जो मिडिल टर्म होगी, मिडिल टर्म दैट विल बी गिवन बाय टी, जो मिडिल टर्म है टी एन बाय टू प्लस वन, एन बाय टू प्लस वन वो जो होगी दैट विल बी द मिडिल टर्म. देखो कैसे, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल सपोज एन जो हमने लिया है, सबसे पहले तो टू ले लेते हैं, एन क्या लिया हमने टू लिया है, ठीक है. हाउ मेनी टर्म्स विल बी देयर, या यू कैन से दैट डायरेक्टली एन क्या है इवन है, तो इसके एक्सपेंशन में मिडिल टर्म क्या होगी, मिडिल टर्म विल बी टी एन बाय टू, एन क्या है टू, टू बाय टू क्या जाएगा वन प्लस वन दैट इज व्हाट, सेकेंड टर्म विल बी द मिडिल टर्म. और वैसे भी देखो एन अगर टू था तो टोटल टर्म्स कितनी थी, थ्री. टोटल टर्म्स अगर थ्री है, ठीक है, तो मिडिल टर्म क्या होगी, सेकेंड टर्म होगी. एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं. सेकेंड सपोज एन यहां पे मैंने ले लिया सिक्स, एन क्या ले लिया सिक्स, तो टोटल टर्म्स कितनी होगी, सेवन, टी वन टी टू टी थ्री टी फोर टी फाइव टी सिक्स टी सेवन, एन इवन है. तो यहां से देखो मिडिल टर्म क्या होगी, तीन टर्म इधर छूट जाएगी, तीन टर्म इधर छूट जाएगी, टी फोर विल बी द मिडिल टर्म. अब इस फॉर्मूले से देख लेते हैं, तो जो मिडिल टर्म आएगी, मिडिल टर्म आएगी वो कौन से नंबर की टर्म आएगी, टी, एन क्या है सिक्स, तो सिक्स बाय टू दैट इज थ्री, थ्री प्लस वन फोर, मिडिल टर्म कौन सी होगी, फोर्थ टर्म होगी. एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल थ्री. सपोज एन जो है हंड्रेड है, एन हंड्रेड है तो हाउ मेनी टर्म्स विल बी देयर, वन जीरो वन, तो टी वन टी टू टी थ्री अब टू कहां तक आएगा, ये टी हंड्रेड टी वन जीरो वन, टी वन जीरो वन, ये टोटल टर्म्स है अपने 101, ठीक. अब इसमें मिडिल टर्म फाइंड आउट करना है, n क्या है इवन है, n अगर इवन है तो टोटल टर्म्स ऑड होगी, अगर टोटल टर्म्स ऑड है तो केवल एक ही मिडिल टर्म होगी, एंड द टर्म विल बी व्हाट, t 100 रख दो यहां पे n की जगह, 100 बाय 2 50, 50 प्लस 1 51,
एन बाई टू प्लस वन होती है ना मिडिल टर्म, तो क्या होगा टी 100 बाई टू प्लस वन, दैट इज व्हाट टी 51, तो दिस विल बी द मिडिल टर्म। अब अगर हमें ये टर्म फाइंड आउट करना है तो हम टर्म तो फाइंड आउट कर ही सकते हैं, जैसे टी फोर निकालना है, बस ये पता चल गया तो टर्म की वैल्यू क्या होगी वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। टी फोर, इस एक्सपेंशन की ही बात कर रहे हैं हम, टी फोर क्या होगा एन सी थ्री, एक कम होता है ना, एक्स रेस टू दी पावर एन माइनस थ्री, वाई रेस टू दी पावर थ्री। यहां पे अगर हम देखें टी 51, टी 51 क्या होगा एन सी 50, एक कम एक्स रेस टू दी पावर एन माइनस 50, वाई रेस टू दी पावर 50। यहां पे भी देखो टी 2, अगर हमें टी 2 फाइंड करना है तो क्या होगा एन सी 1 एक्स टू दी पावर एन माइनस 1, वाई रेस टू दी पावर 1। ठीक है, ये तो केस हुआ व्हेन एन इज इवन, एन अगर इवन है तो टोटल टर्म्स जो होगी वो ऑड होगी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होगी और केवल एक ही मिडिल टर्म होगी, एंड दैट टर्म इज गिवन बाय टी एन बाय टू प्लस वन, इस नंबर की टर्म जो होगी वो मिडिल टर्म होगी। ठीक है, अब सेकेंड केस देखते हैं, सेकेंड केस कौन सा है व्हेन एन इज ऑड, इफ एन इज ऑड, इफ एन इज ऑड, एन अगर ऑड है तो यहां पे टू मिडिल टर्म्स विल बी देयर, टू मिडिल टर्म्स विल बी देयर, दो मिडिल टर्म यहां पे होगी। अब वो कौन कौन सी होगी वो देखते हैं, बिकॉज इफ एन इज ऑड तो टोटल टर्म्स कितनी होगी, पहले देखो टोटल टर्म्स कितनी होगी, वो तो क्या होगा एन प्लस वन ही होगी, और एन प्लस वन क्या है इवन हो गया, एन प्लस वन क्या हो गया इवन हो गया, मीन्स टोटल टर्म्स हमारे पास जो है वो इवन है, टोटल टर्म्स जो है वो इवन है। ठीक है, तो जो मिडिल टर्म्स होगी, दो मिडिल टर्म्स होगी, मिडिल टर्म्स आर, एक तो होगी टी एन प्लस वन बाय टू और दूसरी होगी टी एन प्लस थ्री बाय टू, ये नंबर की टर्म जो होगी वो मिडिल टर्म होगी, एक टी एन प्लस वन बाय टू, दूसरी होगी टी एन प्लस थ्री बाय टू। अब इनको वेरीफाई कर लेते हैं, तो देखो फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल लेते हैं, एन इज ऑड, एन सबसे सिंपल ले लेते हैं हम थ्री, एन थ्री लिया तो टोटल टर्म्स कितनी होगी एन प्लस वन, दैट इज व्हाट फोर, मीन्स व्हाट टी वन टी टू टी थ्री टी फोर, फोर टर्म्स होगी टोटल। तो मिडिल टर्म देखो, एक टर्म इधर छूट जाएगी, एक टर्म इधर छूट जाएगी, दो मिडिल टर्म आ गए टी टू एंड टी थ्री, ये क्या हो गए मिडिल टर्म हो गए, मिडिल टर्म। अब अपने फॉर्मूले से देख लेते हैं, टी एन क्या है अपने पास थ्री है, थ्री प्लस वन फोर, फोर बाय टू टू, तो एक तो सेकेंड टर्म जो होगी मिडिल टर्म होगी, फिर एक और पॉसिबिलिटी है एन क्या है थ्री, थ्री प्लस थ्री सिक्स बाय टू, दैट इज व्हाट टी थ्री, यू कैन से दैट उसके नेक्स्ट वाली, अगर एक टर्म पता चल जाती टी एन प्लस वन बाय टू तो उसके नेक्स्ट वाली, तो यहां से भी हमारा क्या रहा सेकेंड एंड थर्ड टर्म मिडिल टर्म होगी, क्योंकि यहां तो एन कम था तो हमने लिख दिया टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, एन ऑड चल रहा है ना अभी, तो सेवन ले लिया मैंने, सेवन ले लिया तो टोटल टर्म्स कितनी होगी, यहां तो ये एन जो इसकी पावर है, टोटल टर्म्स विल बी इक्वल टू व्हाट एट, टी वन
टी टू, टी थ्री, टी फोर, टी फाइव, टी सिक्स, टी सेवन, टी एट। अब देखो तीन टर्म इधर छुट्टी, तीन टर्म इधर छुट्टी, ये दो टर्म हो जाएगी मिडिल टर्म। तो टी फोर और टी फाइव जो होगी वो मिडिल टर्म होगी। अब वहां से वेरीफाई कर लेते हैं अपने फॉर्मूले से, क्या होगा टी, एन की वैल्यू क्या रखें, सेवन, सेवन प्लस वन बाय टू, एक तो ये होगी और दूसरी टी, एन की जगह सेवन रखा था, सेवन प्लस थ्री बाय टू, ये क्या है टी फोर, यहां से क्या आ गया टी फाइव, यहां से भी वही आ रहा है, यहां से टी फोर टी फाइव आ रहा था, यहां से भी क्या आ रहा है टी फोर टी फाइव आ रहा है। अब एन जो है, सपोज थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं, एन अगर वन जीरो वन आ गया, क्योंकि अभी एन ऑड चल रहा है ना, ठीक, एन अगर वन जीरो वन आ गया तो टोटल टर्म्स तो कितनी हो जाएगी, इवन, दैट इज व्हाट, वन जीरो टू, टोटल टर्म्स कितनी हो जाएगी, वन जीरो टू हो जाएगी। अब मिडिल टर्म देखते हैं, अब सारी टर्म्स वन जीरो टू तो लिख नहीं सकता मैं, क्या करूं, डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर दूं, एन अगर इवन है तो उसके अकॉर्डिंग अप्लाई कर दूं, एन अगर ऑड है तो उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगा देंगे हम, टी एन प्लस वन, वन जीरो वन प्लस वन बाय टू, और टी वन जीरो वन प्लस थ्री अपॉन टू, मीन्स क्या होगा टी फिफ्टी वन एंड टी फिफ्टी टू, ये दो मिडिल टर्म्स होगी। अब हमें ये अगर पता चल जाता है टी फोर टी फाइव टी फिफ्टी वन या टी फिफ्टी टू, तो हम टर्म तो लिख ही सकते हैं, अगर कौन से नंबर की टर्म है वो पता चल जाता है तो जो टर्म की वैल्यू है वो तो हम लिख देंगे ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल टी फिफ्टी वन लिखना है या टी फिफ्टी टू लिखना है, टी फिफ्टी टू, टी फिफ्टी टू क्या होता है एन सी फिफ्टी वन, एक कम एक्स रेस्ट टू द पावर एन माइनस फिफ्टी वन, वाई रेस्ट टू द पावर फिफ्टी वन, दैट्स इट, ठीक है। अब इस पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए ये ध्यान रखना कि ये जो एक्सपेंशन है इसकी पावर इवन है या ऑड है, या हमें बोलना चाहिए कि इसके एक्सपेंशन में टोटल टर्म्स जो है वो इवन है या ऑड है। टोटल टर्म्स अगर इवन है, टोटल टर्म्स अगर इवन है तो दो मिडिल टर्म्स होगी, टोटल टर्म्स अगर इवन है तो दो मिडिल टर्म्स होगी, कौन कौन सी, ये और ये, अगर टोटल टर्म्स ऑड है तो एक ही मिडिल टर्म होगी, वो हमने लिया क्या था टी एन प्लस वन बाय, सॉरी टी एन बाय टू प्लस वन, ये फॉर्मूले जो है ये याद रख लेना, जस्ट रिमेंबर दिस, बेस्ड ऑन दिस वी विल डू सम एग्जांपल। सपोज वी हैव टू फाइंड आउट द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ टू एक्स माइनस वन बाय एक्स रेस्ट टू द पावर सेवन, इसके एक्सपेंशन में हमें मिडिल टर्म फाइंड आउट करना है। तो मिडिल टर्म के लिए सबसे पहले देखो तो पावर, पावर क्या है ऑड है, तो टोटल टर्म्स क्या हो जाएगी इवन हो जाएगी, तो यहां पे दो मिडिल टर्म्स होगी, याद है ना, टू मिडिल टर्म्स आर देयर, दो मिडिल टर्म्स होगी, कौन कौन से, क्योंकि यहां पे एन क्या है, एन क्या है सेवन, दैट इज व्हाट ऑड है ना, एन अगर ऑड है तो दो मिडिल टर्म्स होगी, कौन कौन सी याद है, एक टी एन प्लस वन बाय टू मीन सेवन प्लस वन एट, एट बाय टू फोर, फोर एक टी एन प्लस थ्री बाय टू दैट इज व्हाट फाइव, तो टी फोर एंड टी फाइव ये दो मिडिल टर्म्स होगी। अब इनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं, टी फोर, टी फोर क्या होगा सेवन सी थ्री, एक कम हो जाता है ना, एन की जगह सेवन है, सेवन सी थ्री टू एक्स रेस्ट टू द पावर सेवन माइनस थ्री दैट इज व्हाट फोर माइनस वन बाई एक्स रेस्ट टू द पावर व्हाट थ्री, तो क्या आ जाएगा सेवन सी थ्री टू रेस्ट टू द पावर फोर दैट इज व्हाट सिक्सटीन, एक्स की पावर फोर और ये एक्स तो माइनस एक्स,
ये तो फोर्थ टर्म आ जाएगी। अब चाहो तो 7C3 की वैल्यू निकाल के और ये फाइंड कर लेना। तो ये तो अपनी फोर्थ टर्म आ गई, एक मिडिल टर्म ये हो गई। T5 फाइंड करते हैं क्योंकि एक और मिडिल टर्म पॉसिबल है ना। ये कैसा आया वो तो समझ में आ गया ना। T4 और T5 दो मिडिल टर्म्स होगी बिकॉज एन इज ऑड। टी वहां लिखा था T(n+1)/2 एंड T(n+3)/2। T5 मीन्स व्हाट? 7C4 2x रेस्ट टू द पावर 7 माइनस 4 दैट इज व्हाट 3 माइनस 1/x रेस्ट टू द पावर व्हाट 4। ये क्या आ जाएगा? 7C4 8x³ आएगा या x^4 आएगा, तो दैट इज व्हाट 1/x। ओवरऑल वैल्यू ये आएगी। यहाँ पे दो मिडिल टर्म्स होगी एंड द मिडिल टर्म्स विल बी एक ये और एक ये होगी। तो अगर मिडिल टर्म का कोफिशियंट अगर पूछता वो, तो यहाँ पे देखो कोफिशियंट में आ जाता -16 × 7C3। एक्स तो अलग हट जाता, ये जो अपना ये क्या हो जाता कोफिशियंट आ जाता। यहाँ पे क्या हो गया अपना? ये हो गया कोफिशियंट। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। सपोज अगेन वी हैव टू फाइंड आउट द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ ए रूट बी अपॉन 5 - 5 / a√b होल रेस्ट टू द पावर 12। ठीक है, होल रेस्ट टू द पावर क्या है? 12। यहां पे देखो पावर देखो, पहले तो क्या है n? क्या है? इवन है। n अगर इवन है तो टोटल टर्म्स क्या हो जाएगी? ऑड। टोटल टर्म्स अगर ऑड है तो एक ही मिडिल टर्म होगी एंड दैट मिडिल टर्म इज गिवन बाय मिडिल टर्म विल बी t(n+1)/(n/2)+1। याद है ना ये? तो टी एन की जगह 12 रखो, 12/2 6+1, तो कौन सी होगी? सेवंथ टर्म जो होगी दैट विल बी द मिडिल टर्म। बस इतना पता चल गया। अब सेवंथ टर्म क्या होता है वो फाइंड कर सकते हैं। T7 क्या होता है? 12C6 एक कम a√b/5 रेस्ट टू द पावर क्या आएगा? 6 × −5/a√b रेस्ट टू द पावर ये 6। तो ये तो क्या पूरा ही कैंसिल हो गया? ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और -1 की पावर 6 1 होता है ना। आंसर क्या आ गया अपना? 12C6। तो इसके एक्सपेंशन में जो मिडिल टर्म होगी दैट विल बी व्हाट? 12C6 होगी। एक और एग्जाम्पल करते हैं, पहले नोट कर लो। सपोज वी हैव टू फाइंड आउट द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x+1/x रेस्ट टू द पावर 2n। तो यहां पे देखो पावर क्या है? 2n है। तो 2n क्या है? इवन है। 2n क्या है? इवन है। मीन्स व्हाट? ओनली वन मिडिल टर्म इज देयर। एक ही मिडिल टर्म होगी, पावर इवन है ना, तो टोटल टर्म शॉर्ट हो जाएगी। अब वो कौन सी टर्म होगी वो हमें पता है क्या होती है वो? टी। अब एन की जगह 2n आ गया, 2n/2+1 दैट इज व्हाट? tn+1। मीन्स ये जो टर्म होगी दिस विल बी द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म कौन सी होगी? टी n+1 वाले। तो ये जो मिडिल टर्म है इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। मिडिल टर्म जो है वो क्या आपने? tn+1। tn+1 है तो दैट विल बी 2n। ये 2n है ना, 2n। अब क्या होगा? c इससे एक कम, n x रेस्ट टू द पावर 2n - n n 1/x रेस्ट टू द पावर ये n।
तो मिडिल टर्म क्या आ गई, 2n cn, मिडिल टर्म क्या आ गई, 2n cn। तो ये जो 2n cn है इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे 2n cn एक्चुअली होता क्या है वो देखो, 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, और 2n माइनस n दैट इज व्हाट, n फैक्टोरियल, यही होती है ना इसकी वैल्यू। तो दिस कैन बी रिटर्न एज, इसको हम लिख सकते हैं 2n फैक्टोरियल को 2n, क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते जाओ, फिर 2n माइनस 1, फिर 2n माइनस 2, फिर 2n माइनस 3, अब तो कहां तक, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। तो ये देखो 2n फैक्टोरियल जो है इसमें टोटल ये कितने 2n टाइम्स प्रोडक्ट में होंगे। नाउ इफ यू सी, जैसे 2n है, 2n माइनस 2 है, फिर क्या आएगा, 2n माइनस 4 आएगा, फिर 4, फिर 2, इन सब में से 2 कॉमन आ जाएगा, इन सब में से 2 2 कॉमन आ जाएगा, यहां से 2 कॉमन आएगा, यहां से 2, यहां से 2, यहां से 2, तो 2 हाउ मेनी टाइम्स बाहर आ रहा है, 2 रेस्ट टू द पावर n होगा, n टाइम्स होगा ना, क्योंकि ये टोटल टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4 अब तो कहां तक है ये 2n तक, तो n जो है n टर्म्स में से 2 आ रहा है ना, इसमें से 2 आ रहा है, फिर एक टर्म छूटेगी ऑड वाली, फिर इसमें से 2 आएगा, फिर ऑड वाली छूटेगी, फिर 2 आएगा, तो 2 रेस्ट टू द पावर एन बाहर आ गया, यहां क्या बचेगा एन, फिर यहां क्या बचेगा, पहले जो कॉमन ले रहा हूं वो लिख रहा हूं, 2 कॉमन लिया एन माइनस 1, फिर क्या बचेगा एन माइनस 2, फिर क्या बचेगा एन माइनस 3 एंड सो ऑन, फिर यहां से 2 आएगा, 4 में से 2 कॉमन लिया, 2 में से 2 कॉमन लिया 1 आएगा, एक तो ये हो गया पार्ट, दूसरा जो पार्ट है इसका वो क्या होगा, 2n माइनस 1, फिर 2n माइनस 3, फिर 2n माइनस 5 एंड सो ऑन, क्या आएगा फिर 3 और 1 होल डिवाइडेड बाय, ये ब्रैकेट क्लोज करो, होल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल। सो दिस कैन बी रिटर्न एज 2 रेस्ट टू द पावर n, ये क्या है n, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, n फैक्टोरियल है, ठीक है इसको हम लिख देते हैं n फैक्टोरियल, बाकी जो एज इट इज आ जाएगा, बाकी क्या है 2n माइनस 1, 2n माइनस 3, 2n माइनस 5 और क्या 3 एंड 1 डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, एक n फैक्टोरियल से एक n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो है दिस इज इक्वल टू 2 रेस्ट टू द पावर n, इसको चाहो तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2n माइनस 3, रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया 2n माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। तो ये जो है ये वैल्यू 2n cn की वैल्यू है, सम टाइम्स वी राइट 2n cn लाइक दिस, 2 रेस्ट टू द पावर n, 1 इंटू 3 इंटू 5 एंड सो ऑन अपॉन n फैक्टोरियल, ये 2n cn की वैल्यू ही हमने लिखी है, ठीक है।